ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब के दर्शकों का स्वागत है। रिज मैदान से आपको दृश्य रिज मैदान का देखेगा, लेकिन खबर एक चिंताजनक है, कोरोना से जुड़ी हुई, कोविड से जुड़ी हुई। हिमाचल में दूसरी वेव के बाद कोरोना के केस घटकर एक्टिव केसेस जो है वो 800 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के केसेस जो हैं, कोविड के केसेस जो है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मंगलवार 10 अगस्त की शाम तक कोरोना के एक्टिव केसेस जो हैं हिमाचल में 2300 से ऊपर हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर जो है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है, वो है 2318 कोविड केसेस हो चुके हैं मंगलवार 10 अगस्त तक। और कल ये केसेस थे, एक्टिव केसेस थे 2086, तो एक ही दिन में 2032 एक्टिव केसेस की बढ़ोतरी जो है, ये चिंता का विषय है। इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी कल कोरोना को लेकर एक डिस्कशन थी, उसमें बोलते हुए उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी। जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो इसे तीसरी वेव जो कोविड की है उसकी आहट समझा जा सकता है। लोग अगर एहतियात नहीं बरतते तो ये दिक्कत आने वाले समय में हो सकती है। इसी तरह आज दो लोग कोरोना से मौत भी होगी, दो लोगों की, उनमें एक महिला और पुरुष थे, दोनों शिमला से थे। और कुल डेथ्स जो हैं हिमाचल में कोविड के कारण वो बढ़कर 3521 हो गई हैं, 3521। और आज जो हैं कोरोना के नए केसेस जो हैं 419 आए सामने, और इनमें से 185 जो हैं जो पहले जो कोरोना के पेशेंट्स थे वो ठीक भी हुए, लेकिन 232 नए केसों की बढ़ोतरी हो गई इनको प्लस माइनस करके।